नमस्ते मित्रों, आज हम राम नाम की महिमा जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ, राम का नाम जो है वो राम भगवान से भी बढ़कर है। एक तीन कथा के द्वारा मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात है, एक बार क्या हुआ, जो कबीरदास है उनके पुत्र का नाम था कमाल। कमाल भी पहुँचे हुए थे और हुआ क्या, एक कोढ़ उसके पास आया तो उन्होंने राम नाम के प्रभाव से उस कोढ़ को ठीक कर दिया, एक एक जन कोढ़ को। तो फिर इस बात से कबीरदास को खुशी नहीं हुई। कबीरदास बोले कि नहीं, अभी तुम एक काम और करो, तुलसीदास से मिलकर आओ। तो वो जब तुलसीदास से मिलने गया तो तुलसीदास ने क्या किया, एक पत्ते में राम नाम लिख के उस पानी में, एक पात्र था पानी का, उसमें डाल दिया और जितने 300 कोढ़ आए थे उतने लोगों को पिला दिया, तो उससे ठीक हो गए सभी, जितने कोढ़ थे ठीक हो गए। फिर क्या हुआ, कमाल को अहंकार हो गया कि मैंने राम नाम की महिमा जान लिया। फिर उनके पिताजी को लगा कबीरदास को कि नहीं, अभी इनको तुलसीदास के पास भेजते हैं। तुलसीदास जी ने पत्ते में राम लिखकर एक पात्र में डाल दिया पानी वाले, तो 300 लोग उसको पीकर ठीक हो गए। तो फिर इतने में भी तुलसीदास को भी और उसको कमाल को भी, दोनों को भेजे, जाओ सूरदास से मिलकर आओ। तो सूरदास जी ने एक पानी में बहता हुआ लाश जा रहा था, उसको केवल रा बस बोला उसके कान में, तो वो जीवित हो गया। तो ये है राम नाम की महिमा। और राम राम जो अपन बोलते हैं उसी में ही 108 दाना पूरा हो जाता है। तो हम राम नाम को नहीं भूले, गुड मॉर्निंग लोग बोलते हैं उसके जगह राम नाम बोलें। जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है कि राम राम क्यों कहा जाता है? बहुत से लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो दो बार ही राम राम क्यों कहते हैं, एक बार या तीन बार क्यों नहीं कहते? तो मैं आपको बता दूं कि दो बार राम राम कहने के पीछे एक बड़ा रहस्य है जो कि आदि काल से चला आ रहा है। हिंदी की शब्दावली में र 27वां शब्द है, आ दूसरा और म 25वां। जब हम इन तीनों अंकों का योग करेंगे तो 54 होगा, अर्थात एक राम का योग होगा 54। इसी प्रकार दो राम का यानी कि राम राम का कुल योग होगा 108। जब भी हम कोई जप करते हैं तो हम 108 मनके की माला लेकर करते हैं, तो महज सिर्फ राम राम कह देने से पूरी माला का जप हो जाता है। तो राम राम जी।